स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर टा में। दोस्तों अगर आप हर महीने एक फिक्स्ड इनकम शुरू करके और उस इनकम को ही निवेश करके अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मात्र सिर्फ आप एक बार 1.5 लाख रुपये का निवेश करके अपने लिए हर महीने 1600 रुपये की फ़िक्स्ड आमदनी कर सकते हैं और यहाँ पर इसी 1600 रुपये से आप करीब 3 करोड़ 73 लाख रुपये तक का फंड बना सकते हैं और ये इनकम आपको काफ़ी लंबे टाइम तक होती रहेगी। तो दोस्तों ये स्कीम उन लोगों के लिए काफ़ी शानदार रहेगी जो अपने पैसे पर थोड़ा सा रिस्क लेकर हर महीने एक इनकम शुरू करके उस पैसे से ही पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में केनरा का एक ऐसा फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर आप निवेश करके हर महीने 1600 की इनकम शुरू करेंगे और उसी इनकम से आप करीब 3 करोड़ 73 लाख रुपये तक का फंड तैयार कर सकते हैं। कैसे, इसे हम लास्ट में कैलकुलेशन करके भी समझेंगे। सबसे पहले अगर हम स्कीम की बात करें तो जो स्कीम हम लेकर आए हैं वो केनरा की एक बेहतरीन स्कीम है और स्कीम का रिटर्न अगर ऑल टाइम की बात करें तो करीब 15.36% है, जबकि पिछले अगर सिर्फ एक साल की बात करें तब भी इस फंड ने शानदार 12.04% का रिटर्न दिया है और दोस्तों अगर हम सिर्फ एक महीने की बात करें तब भी इस स्कीम का रिटर्न शानदार 5.44% का है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की ये स्कीम है और दोस्तों स्कीम का नाम है केनरा रूबिको वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पर दोस्तों इसका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर जो बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनके अंदर पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट निवेश करते हैं तो यहाँ पर रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स स्कीम के थ्रू स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहती है। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर आपको कैसे हर महीने एक इनकम शुरू करनी है। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर आपको एक प्लान मिलता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, SWP प्लान यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। इसके अंदर यहाँ पर आप एक बार पैसे निवेश करके उस पर ही हर महीने एक आमदनी शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर इससे ही आपको एक 1600 रुपये की इनकम हो जाएगी और उसी इनकम को आप निवेश करके अपने लिए करीब 3 करोड़ 73 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं। कैलकुलेशन के साथ समझेंगे लास्ट में, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम स्कीम के NAV की बात करें यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो यह है 11 रुपीज़ 82 पैसे का यानी कि 11 रुपये 82 पैसे का। दोस्तों NAV म्यूचुअल फंड्स स्कीम का एक यूनिट प्राइस होता है, जो भी पैसे आप निवेश करते हैं और जो भी NAV का प्राइस होता है इसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं और इसी पर आप डेली बेसिस पर प्रॉफिट या लॉस चेक कर सकते हैं। अगर फंड साइज़ की बात करें तो यह 734 करोड़ रुपये यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर होल्डिंग की कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर किन शेयरों में निवेश किया गया है, तो यहाँ पर टोटल 42 स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ITC, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मा, दोस्तों ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपको लॉन्ग टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, इन्हीं के अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो यानी इस म्यूचुअल फंड्स स्कीम के खर्चे की, तो ये भी कम है 0.72% का, यानी कि आप जो भी पैसे निवेश करेंगे लमसम उसमें से पहले एक्सपेंस रेशियो वाले पैसे काटे जाएंगे, उसके बाद आपको करंट NAV के हिसाब से यूनिट अलॉट की जाएंगी। एक्सपेंस रेशियो है 0.72% का। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की, तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं विशाल मिश्रा 2021 से, सिल्की जैन 2021 से। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर किन स्टॉक में पैसा निवेश करना है ये सब कुछ मैनेजमेंट टीम ही डिसाइड करती है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए केनरा रूबिको म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में रैंक 18 नंबर पर है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 19 दिसंबर 1987 को और AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी के पास करीब 47,886 करोड़ रुपये का AUM है, यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर केनरा रूबिको म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की, इसका जो रिटर्न है स्कीम का ऑल टाइम का वो है 15.36%, लेकिन आने वाले टाइम में स्कीम अगर आपको सिर्फ 15% यानी 15% का भी रिटर्न देती है और आप 1.5 लाख रुपये का निवेश करके कैसे यहाँ पर आप इनकम शुरू करेंगे 1600 रुपये की और उस इनकम से कैसे आप यहाँ पर 3 करोड़ 73 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं, चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का SWP कैलकुलेटर यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का कैलकुलेटर। अगर आप एक बार यहाँ पर 1.5 लाख रुपये का निवेश करेंगे तो इससे आपको इनकम होगी हर महीने 1600 रुपये की SWP प्लान के तहत, अगर हम रिटर्न मानते हैं 15% आने वाले टाइम में। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं 5 साल के लिए तो 1600 रुपये हर महीने इनकम के हिसाब से आपके बैंक खाते में करीब यहाँ पर 96,000 रुपये का पे आउट आ चुका होगा और आपके 1.5 लाख रुपये बढ़कर करीब 1,63,574 रुपये हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको हर महीने जो 1600 रुपये की इनकम हो रही है इसी पैसे को आपको SIP के थ्रू दूसरी म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर निवेश करना है जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर। और दोस्तों ये हमारे पास एक SIP कैलकुलेटर, अगर आप 1600 रुपये महीना निवेश करते हैं
स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको 20% आराम से मिल सकता है। इस पैसे को भी अगर आप लगातार 5 साल तक निवेश करते हैं तो 1600 रुपये हर महीने के हिसाब से टोटल आप इसके अंदर 96,000 रुपये का निवेश करेंगे। और दोस्तों ये वही पैसे हैं जो आपको SWV प्लान से अर्निंग हुई है। यहाँ पर इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न करीब 69,527 रुपये का मिलेगा, यानी कि 5 साल के बाद आपके पास करीब 1,65,527 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों इसी तरह अगर आप SWP प्लान में इस पैसे को निवेश करते हैं यहाँ पर 10 साल के लिए तो 1600 रुपये हर महीने इनकम के हिसाब से आपके पास करीब 1,92,000 रुपये का पे आउट आएगा और आपके 1,50,000 रुपये बढ़कर करीब 1,90,877 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम SIP की बात करें तो यहाँ पर 10 साल के अंदर टोटल आप इसके अंदर 1600 रुपये महीने के हिसाब से 1,92,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें आपको रिटर्न मिलेगा करीब 4,19,782 रुपये का और यहाँ पर टोटल आपके पास 10 साल के बाद SIP से बैठेंगे करीब 6,11,782 रुपये। अगर आप दोस्तों SWP प्लान में यहाँ पर निवेश करते हैं पैसे को 15 साल के लिए तो 1600 रुपये हर महीने इनकम के हिसाब से आपके बैंक खाते में करीब 2,88,000 रुपये का पे आउट आएगा और आपके 1,50,000 रुपये बढ़कर करीब 2,45,794 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप SIP को भी कंटिन्यू करते हैं 15 साल के लिए तो 1600 रुपये महीने के हिसाब से इतने ही पैसे आप जमा करेंगे जितने आपको अर्निंग हुई है SWP प्लान से, यानी कि 2,88,000 रुपये। एस्टिमेट रिटर्न इस पर आपको करीब 1,526,872 रुपये का मिल जाएगा, यानी कि टोटल 15 साल के बाद आपके पास करीब 1,874,872 रुपये होंगे। दोस्तों अगर आप SWP प्लान में इस पैसे को यहाँ पर निवेश करते हैं 20 साल के लिए तो 1600 रुपये हर महीने इनकम के हिसाब से आपके पास करीब 3,84,000 रुपये का पे आउट आ जाएगा और आपके 1,50,000 रुपये बढ़कर करीब 3,56,250 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों SIP के थ्रू भी अगर आप यहाँ पर इस निवेश को कंटिन्यू करते हैं 20 साल के लिए तो 1600 रुपये के हिसाब से आप इसके अंदर टोटल 3,84,000 रुपये का ही निवेश करेंगे। इसमें रिटर्न आपको करीब 46,74,367 रुपये का होगा, यानी कि टोटल 20 साल के बाद आपके पास करीब 50,58,367 रुपये होंगे। दोस्तों इसी तरह अगर आप इस SWP प्लान में निवेश करते हैं 25 साल के लिए तो 1600 रुपये हर महीने के हिसाब से आप टोटल इसके अंदर 4,80,000 रुपये की अर्निंग करेंगे और यहाँ पर आपके 1,50,000 रुपये बढ़कर करीब 5,78,416 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इस SIP को भी कंटिन्यू करते हैं 25 साल के लिए तो टोटल आप इसके अंदर वही पैसे निवेश करेंगे, यानी 4,80,000 रुपये और यहाँ पर इस पर एस्टिमेट रिटर्न 1,33,22,733 रुपये का मिल जाएगा, यानी कि टोटल 25 साल के बाद आपके पास करीब 1,38,02,733 रुपये मिलेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस पैसे को निवेश करते हैं यानी 30 साल तक के लिए तो 1600 रुपये हर महीने इनकम के हिसाब से आपके पास करीब 5,76,000 रुपये का पे आउट आ जाएगा और आपके 1,50,000 रुपये बढ़कर करीब 10,25,272 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप SIP के थ्रू भी उसी पैसे को यानी 5,76,000 रुपये को यहाँ पर 30 साल तक निवेश करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस पर एस्टिमेट रिटर्न आपको करीब 3,68,01,283 रुपये का होगा, यानी कि टोटल 30 साल के बाद आपके पास करीब 3,73,77,283 रुपये होंगे। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स की स्कीम उन लोगों के लिए काफ़ी शानदार रहेगी जो एक बार अपने पैसे को निवेश करके उस पर हर महीने एक इनकम शुरू करना चाहते हैं और अपने पैसे को भी यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।